हेलो एवरीवन रोन ये है दिसंबर 2024 की लाफ्ट आरो रीडिंग आई एम वेरी सॉरी आपकी दिसंबर मंथ की रीडिंग्स लेट हो गई वीकली भी नहीं अपलोड हो पाया एक्चुअली मैं पीछे बहुत ट्रैवल कर रही थी मुझे एल विजिट करना पड़ा अपनी सिस्टर को और अभी मैं इंडिया में हूँ आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल होती है ना टाइम जोन डिफरेंस की वजह से बड़ा हॉटपॉट हो जाता है इतना मैंने ट्राई किया कि मैं आपके लिए वीकली अपलोड कर दूँ आपका मंथली टाइम से जाए बट नहीं हो पाया एंड आई होप कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और अभी भी देखिए दिसंबर मंथ पूरा बाकी है आज फोर्थ दिसंबर है आपकी मंथली रीडिंग अपलोड हो गई है और बहुत जल्दी ईयरली रीडिंग्स भी अपलोड हो जाएंगी एंड आई एम कमिंग अप विद वेरी एक्साइटिंग थिंग फॉर 2025 सो स्टे ट्यून्ड और चलिए जी आपकी मंथली रीडिंग शुरू करते हैं तो अगर आप जानना चाहते हैं दिसंबर मंथ में आपकी लव लाइफ़ में क्या होगा आपके पार्टनर की आपकी क्या एनर्जीज़ होंगी तो ये रीडिंग आपके लिए है और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहे वो आपका लगन हो नाम के हिसाब से राशि हो आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो तो चलिए जी आपकी मंथली लव लवटारो रीडिंग शुरू करते हैं तो चलिए कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए देखेंगे दिसंबर 2024 में आपकी लव लाइफ़ में क्या हो रहा है मेरे पास यहाँ पे तीन सेट ऑफ़ कार्ड्स हैं फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे सेकेंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ सोस रिवर्स और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या दिसंबर स्टार्टिंग में या तो उतना इमोशंस फीलिंग्स आप अपने पार्टनर के लिए नहीं महसूस कर रहे हैं या फिर आप महसूस नहीं करना चाहते हैं अब रीजन और सब कैप्रिकॉन्स के लिए डिफ़र करेंगे लेकिन क्वीन ऑफ सोस के नीचे रिंग का कार्ड कहता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ना गोल 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 एक ही जगह पर घूम रही हैं आगे नहीं बढ़ रही हैं राउंड एंड राउंड उसी एनर्जी में आप रिवॉल्व करते जा रहे हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपके पार्टनर आपको प्रपोज करें आपको कमिटमेंट दें और कहीं उस तरीके की एनर्जी इस पार्टनर की तरफ से नहीं रह रही है और ये चीज़ आपको परेशान कर रही है देखिए जो भी दो रीज़न्स मेरे माइंड में आए मैंने आपको कहा ये जनरल रीडिंग है सब कैप्रिकॉन्स के लिए डिफरेंट रीजंस रह सकते हैं लेकिन रिंग कहीं कमिटमेंट मैरिज इंगेजमेंट प्रपोज करने को रिप्रेजेंट करती है तो इसी से ही रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई चीज़ आपको बॉर्डर कर रही है और एक डिटैचमेंट आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं आपका कम्युनिकेशन काफ़ी ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पार्टनर के साथ रहता हुआ दिख रहा है मिड दिसंबर के लिए टॉवर का कार्ड कहता है एक अकेलापन या तो आप महसूस कर रहे हैं या फिर आप चाह रहे हैं चाह रहे हैं इन द सेंस आप थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं और देखिए इस कार्ड में बाउंड्रीज इमोशनल डिस्टेंस लिखा हुआ है तो एक बाउंड्रीज भी आप क्रिएट करना चाह रहे हैं एक इमोशनल डिस्टेंस भी या तो आप महसूस कर रहे हैं या फिर आप अपनी तरफ से क्रिएट कर रहे हैं और सर्फेस लेवल के लिए टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि आप एक बैलेंस मेंटेन करना चाह रहे हैं आपको ऐसा लग सकता है कि शायद पीछे आपने अपने पार्टनर को टू मच दिया और खुद को बहुत कम अटेंशन दी और इसी एनर्जी में एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं या फिर पूरी तरीके से आप अपने पार्टनर को नहीं गो कर पा रहे हैं कहीं डीपर लेवल के लिए फिर से मैं कहूंगी टॉवर का कार्ड कहता है कि एक बाउंड्रीज आप क्रिएट करना चाह रहे हैं एक इमोशनल डिस्टेंस आप क्रिएट करना चाह रहे हैं या फिर महसूस भी कर रहे हैं तो भी उस तरीके से अपने पार्टनर के साथ कनेक्शन या रिलेशनशिप को अपनी तरफ से आप नहीं एंड कर पा रहे हैं और जो भी मिड दिसंबर तक आप महसूस कर रहे हैं कहीं एंड दिसंबर में आपकी एनर्जीज़ में एक शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है सन का कार्ड पॉजिटिविटी की बात करता है होप की बात करता है कहीं एक नई बिगनिंग की भी बात करता है बहुत ही इंथ्यूज़म एक्साइटमेंट के साथ चीज़ों के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेने की बात करता है बटरफ्लाई का कार्ड करंट फेज़ टू अ बेटर फेज़ की बात करता है कहीं चेंज की बात करता है ट्रांजिशन की बात करता है तो ओवरऑल फिर से मैं कहूँगी जो भी दिसंबर मंथ में हो रहा है या आप कर रहे हैं या जो भी आपके पार्टनर के एनर्जीज हो आप कहीं यू नो एंड दिसंबर में काफ़ी बेहतर फील करते हुए दिख रहे हैं अब देखिए फिर से सब कैप्रिकॉन्स के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है रिलेशनशिप को आप बेटर फेज़ में लेकर जाना चाह रहे हैं आपको ऐसे लग रहा है कि भाई कैसे चीज़ें बेटर हों मुझके लिए हो सकता है सकम चांसेस सिचुएशन ऐसे हैं कि चीज़ें बेटरमेंट की तरफ जा रही हैं और इन्हीं रीजंस की वजह से एक पॉजिटिविटी आप महसूस कर रहे हैं या फिर एक पॉजिटिविटी आ रही है जिसकी वजह से पॉजिटिव चेंजेस आप खुद में महसूस कर रहे हैं अभी रिलेशनशिप और पार्टनर के कार्ड्स हम देखेंगे तो उनके बारे में हमें पता लगेगा फिलहाल हम आपकी बात कर रहे हैं तो एंड दिसंबर में काफ़ी अगेन मैं कहूँगी एक पॉजिटिविटी एक होप एक फ्रेशनेस आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं और अब देखते हैं कैप्रिकॉन्स कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं वुमेन एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स वुमेन का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि कोई फीमेल हैं जिनका इन्फ्लुएंस आपके पार्टनर पे या तो रह रहा है या फिर आपके पार्टनर यू you नो know, आपको ही अपना सिग्निफिकेंट अदर मान रहे हैं लेकिन जो भी वो मन ही मन महसूस कर रहे हैं कहीं सरफेस लेवल के लिए बहुत आपको ऐसा लग सकता है कि डिसिप्लिन तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं कहीं उनकी तरफ से भी मुझे दिसंबर स्टार्टिंग में हेल्दी बाउंड्रीज रहती हुई दिख रही हैं देखिए कुछ के लिए हेल्दी हो सकते हैं कुछ के लिए अनहेल्दी हो सकती हैं बट येस yes, इतने एक्शन इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं बहुत ज़्यादा हिसाब किताब से चीज़ों को कर रहे हैं अपने ऊपर ज़्यादा फो फोकस कर रहे हैं कहीं इंडिपेंडेंटली चीज़ों को करना चाह रहे हैं होता है ना रिलेशनशिप में हम इमोशनल लेवल पर मेंटल लेवल पर फिजिकल लेवल पर पार्टनर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तो आपके पार्टनर कहीं यू नो आपके ऊपर इमोशनल मेंटल फिजिकल किसी भी तरीके की डिपेंडेंसी नहीं चाह रहे हैं आपको ऐसे लग सकता है अपने आप में हैं अपने आप पे ही फोकस कर रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड कहता है वो बहुत एक लव केयर प्यार मोहब्बत मन ही मन आपके लिए महसूस कर रहे हैं देखिए इस कार्ड में लिखा हुआ है रोमांटिक फीलिंग्स अट्रैक्शन तो बहुत ज़बरदस्त मन ही मन आपके लिए एक अट्रैक्शन वो महसूस करते हुए दिख रहे हैं लेकिन सर्फेस लेवल के लिए एस ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है उस तरीके से आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं उस तरीके से आपको बता नहीं रहे हैं जाहिर नहीं कर रहे हैं एंड एंड दिसंबर के लिए यहां पर क्रॉस एंड टेन ऑफ सो रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि एक नई बिगनिंग वो करना चाह रहे हैं कुछ चीज़ें हैं जिनको एंड करके फिर से मैं करूँगी कि नए सिरे से शुरू करना चाह रहे हैं हालांकि देखिए हो सकता है इन द प्रोसेस वो भी हर्ट हो रहे हैं उनको भी किसी लेवल पे परेशानी हो रही है लेकिन फिर से कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं डीपर लेवल के लिए क्रॉस का कार्ड कहता है उनके लिए इतना आसान नहीं हो रहा है उनको काफ़ी मुश्किल हो रही है एंड किसी चीज़ के लेकर एक रिग्रेट भी है एक प्रेशर भी महसूस कर रहे हैं और क्रॉस कहीं रिलीजन को भी रिप्रेजेंट करता है तो रिलीजन सोसाइटी या जो भी घर के बड़े हैं वो भी एक रीज़न रह सकते हैं उनके प्रेशर के लिए प्रेशर इज़ नॉट द राइट वर्ड मतलब उनके जो भी एक बर्डन जो भी एक परेशानी वो महसूस कर रहे हैं उसके लिए एंड अब देखते हैं कैप्रिकॉन्स की दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है तो देखिए दिसंबर मंथ के अगर हम सरफेस लेवल के कार्ड्स देखें तो मिड दिसंबर तक इश्यूज मसले रह सकते हैं लेकिन मन ही मन डीपर लेवल के लिए चीज़ें ठीक ठाक रहती हुई दिख रही हैं कभी कभी होता है ना हमारे मन में हमारे पार्टनर के लिए बहुत ज़बरदस्त एक प्यार होता है लॉयल्टी होती है कमिटमेंट होती है लेकिन सरफेस लेवल के लिए सिचुएशन सरकम की तरह वजह से हम इस तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं या हमारे पार्टनर हमको इस तरीके से परसीव कर रहे होते हैं कि बड़े इशूज़ मसले महसूस हो रहे होते हैं तो मैं कहूँगी कि ये रिलेशनशिप डीपर लेवल के लिए स्ट्रॉन्ग है सर्फेस लेवल के लिए जो भी हो रहा हो क्योंकि यहाँ पे एंकर का कार्ड लॉन्ग टर्म की बात करता है इनफैक्ट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात करता है सेटलिंग डाउन की बात करता है स्टेबिलिटी की बात करता है बियर का कार्ड भी कहीं प्रोटेक्शन की बात करता है और सन का कार्ड भी कहीं हॉट पैशनेट सक्सेस इन लव की बात करता है तो फिर से मैं कहूँगी कि रिलेशनशिप की नींव बहुत स्ट्रांग है सर्फिस लेवल पे छोटे मोटे इश्यूज हर रिलेशनशिप में होते हैं और वही कहीं दिसंबर मंथ में भी रहते हुए दिख रहे हैं एंड एक्सटर्नल फ्रंट के लिए देखें तो किंग ऑफ सोस का कार्ड कहता है कि थोड़े से कंट्रोलिंग थोड़े से डोमिनेटिंग आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक हो रहे हैं और कैप्रिकॉन्स आपकी एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं क्योंकि आपके लिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सोस का कार्ड है एंड अपने तरीके से कैप्रिकॉन्स हो सकते हैं आप चीज़ों को करना चाह रहे हैं हालांकि आपके पार्टनर भी कोई कम नहीं रहते हुए दिख रहे हैं क्योंकि वो भी अपने आप को प्रॉरिटाइज़ कर रहे हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो बट यस कहीं दिसंबर स्टार्टिंग में एक कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग एनर्जीज रह रही हैं इमोशंस फीलिंग्स कहीं मिसिंग रहती हुई दिख रही हैं एंड इसी वजह से या फिर अदरवाइज़ भी मिड दिसंबर के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड कहता है मन ही मन एक फ्रस्ट्रेशन एक इरिटेशन रह सकती है गुस्सा रह सकता है लेकिन जो भी आप मन ही मन महसूस कर रहे हैं सर्फिस लेवल के लिए बहुत ही सब्र पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं और बहुत ही कंपैशनेटली लविंगली एक दूसरे को अगेन मैं कहूँगी डील कर रहे हैं आ, यू नो टॉलरेट कर रहे हैं एंड एंड दिसंबर के लिए यहाँ पर सन एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स कहते हैं कि एक गिव एंड टेक आप दोनों के बीच में रहता हुआ दिख रहा है हालांकि देखिए बैलेंस उतना नहीं रह रहा है आप दोनों में से कोई एक ज़्यादा गिविंग रह रहे हैं और दूसरे जन ज़्यादा रिसीव करते हुए दिख रहे हैं बट येस यू नो आप दोनों ही एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं इंटरैक्ट कर रहे हैं बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं और डीपर लेवल के लिए सन का कार्ड फिर से मैं कहूँगी किसी भी तरीके का एक रिलेशनशिप में सक्सेस होने की सक्सेस मिलने की बात करता है तो कहते भी हैं ना कैप्रिकॉन्स ऑल इज़ वेल दैट एंड वेल तो कहीं कैप कहीं दिसंबर मंथ में इस तरीके की एनर्जी रह रही हैं तो ये था कैप्टिकॉन्स आप लोगों के लिए दिसंबर 2024 की लव टारो रीडिंग और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो ज़रूर इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें